ये ही अवतीर्ण हुए हैं और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब सुनकर परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है वे अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में छठा अध्याय देवताओं की भगवान से स्वधाम सिधारने के लिए प्रार्थना तथा यादवों को प्रवास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव का भगवान के पास आने का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए तब अपने पुत्र सनकादिकों देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूतगणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुदगणों के साथ देवराज इंद्र द्वारिका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्यगण आठों वसु अश्विनी कुमार ऋभु अंगिरा की वंशज ऋषि ग्यारहों रुद्र विश्वदेव साध्य गण गंधर्व अप्सराएं नाग सिद्ध चारण गुह्यक ऋषि पितर विद्याधर और किन्नर भी वहां पहुंचे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य यह था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींच कर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कीर्ति का विस्तार किया है जो समस्त लोकों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा देती है। द्वारिकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा लौकिक दीप्ति से देदीप्यमान हो रही थी। वहां आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान की रूप माधुरी का निर्णय वेश नयनों से पान करने पर भी उनके नेत्र तृप्त ना होते थे। वे एकटक बहुत देर तक उन्हें देखते ही रहे। उन लोगों ने स्वर्ग की उद्यान नंदन वन चैत्र रथ आदि के दिव्य पुष्पों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया और चित्र विचित्र पदों तथा अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की, हे स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्ष जन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं आपके उसी चरण कमलों को हम लोगों ने अपनी बुद्धि इंद्रिय प्राण मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। अहो आश्चर्य है, अजित आप माइक रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचिंत्य नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमय माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। यह सब करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप राग द्वेषादि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने निवारण अखंड स्वरूप भूत परमानंद में मग्न रहते हैं। स्तुति करने योग्य परमात्मा, जिन मनुष्यों की चित्त वृत्ति राग द्वेषादि से कलुषित है वे उपासना वेदाध्यन दान तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी श्रवण के द्वारा संपुष्ट शुद्धांत करण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कीर्ति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। मननशील मुमुक्षु जन मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए लिए फिरते हैं पांच रात्र विधि से उपासना करने वाले भक्तजन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चतुर्व्यूह के रूप में जिनका पूजन करते हैं और जितेंद्रिय धीर पुरुष स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं याज्ञिक लोग तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने संयत
हाथों में हवस्य लेकर यज्ञ कुंड में आहुति देते और उन्हीं का चिंतन करते हैं। आपकी आत्मस्वरूपणी माया की जिज्ञासु योगी जन हृदय के अंतरदेश में दहर विद्या आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। हे प्रभु, आपके वे ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हों। वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दें। हे प्रभु, यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पर मुरझाई हुई बासी वनमाला से भी सौत की तरह स्पर्धा रखती हैं, फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हों। अनंत वामन अवतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्यलोक में पहुंच गया था, तब यह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी के जल की तीन धाराएं ऐसी जान पड़ती थी मानो उसमें लगी हुई तीन पताकाएं फहरा रही हों। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत तो हो गई थी और देव सेना निर्भय। आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अध्योगति का कारण है। हे भगवान, आपका वही पाद पद्म हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप दो महादेव ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं वे सत्व रज तम इन तीनों गुणों की परस्पर विरोधी हैं। विचित्र भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं हैं और ठीक वैसे ही आपके वश में हैं जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं। आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं। उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करें। हे प्रभु, आप इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति पुरुष और मह तत्व के भी नियंत्रण करने वाले काल हैं। शीत ग्रीष्म और वर्षा काल रूप तीन नाभियों वाले संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद वह महतत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार और मन रूप सात आवरणों परतों वाले इस सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। इसलिए ऋषिकेश, आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं। यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते। यह केवल आपकी ही बात है। आपकी अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। 16,000 से अधिक रानियां आपके साथ रहती हैं। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर बौहों के इशारों से और सुर तालापों से प्रौढ़ सम्मोहक काम बाण चलाती हैं और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती हैं, परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट काम बाणों से आपका मन तनिक भी ना डिगा सकी। वे असफल रहीं। आपने त्रिलोकी की ताप राशि को धो बहाने के लिए दो प्रकार की पवित्र नदियां बहा रखी हैं। एक तो आपकी अमृतमय लीला से भरी कथा नदी और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी गंगा जी।
अतः सत्संग सेवी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाम में जाने के लिए आकाश में स्थित होकर भगवान से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वात्म प्रभो, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, सो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया। आपने सत्य परायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और दसों दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुन सुनकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। हे प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओं